एंड यू आर वॉचिंग मैयर एमएस खान यूट्यूबर। सो जी, आज के इस वीडियो में हम अपना ये लुक क्रिएट करने वाले हैं जिसे कहते हैं ग्लैम ब्रॉन्ज लुक, और डिफरेंट नामों से इसे जो है शॉपिंग वर्ल्ड में पुकारा जाता है, जिसे ज़्यादातर कॉमनली मॉडल्स के लिए, ब्रांड पर चलने वाली मॉडल्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट जो है ये लुक जो है वो देते हैं। और हम लोग भी अगर टीवी चैनल्स पर या किसी न्यूज़ पर या वीडियोस में जब शोबिज़ रिलेटेड किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उसने मोस्टली जो है ब्रॉन्ज लुक की हुई होती है। खैर, हम लोग ये सोचते हैं कि ये लुक पार्लर्स में हमें क्यों नहीं दी जा रही है, तो हम इस तरह का लुक चाहते हैं मोस्टली सलोन में क्यों नहीं देते, और वो अपनी मर्जी का करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली वो आपके ड्रेस कलर के हिसाब से चलते हैं। और हम जो है वो मैं भी एक सलोन रन करती हूँ तो मुझे पता है कि क्लाइंट पर हमें जो है उसके ड्रेस अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और 99% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि उन्हें डार्क लुक चाहिए, उन्हें हैवी लुक चाहिए, उन्हें हैवी बेस चाहिए, तो हर कोई जो है वो इससे नेचुरल ब्रॉन्ज की तरफ नहीं जाता। देखने को तो एक बहुत ही कॉमन वन कलर लुक लगता है, बट बहुत ही केयरफुली करने वाली लुक है, बहुत ईजी भी है, बट ये है कि आपका जब तक माइंडसेट है तो आप उसे आराम से कर लोगे। इसमें बोल्ड लिप्स बनाए जा रहे होते हैं तो वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। सो आज के इस वीडियो में आप ये लुक आराम से क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू विल फॉलो इट। सो मैंने बहुत ईजी करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, बहुत जूम करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो डजेंट मैटर, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड मैथड, सो ईजीली आप ये लुक कर पाएंगे। द सेकेंड थिंग इज, मैंने इसके अंदर ग्लिटर अप्लीकेशन की है और हैवी लैशेज लगाए हैं। वो इसलिए लगाएंगे अगर आप एलिवेंट लुक भी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आप ये ग्लिटर लैशेज दे सकते हैं, और अदरवाइज आप अपने किसी ब्राइट पर भी ग्लिटर लगा के इसको हैवी लुक दे सकते हैं। विदाउट ग्लिटर यू जस्ट नीड टू एड शिमर शेड्स, अदरवाइज ब्रॉन्ज लुक मैंने किया है बेसिकली, उसके बाद इसे मैंने हैवी किया है। और अब आप देखेंगे वीडियो में कि हमने क्या किया है और कैसे किया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि हम इसमें दो लुक कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं अपने लुक को, तो डोंट मिस एनी स्टेप। लेट्स सी, देखिए, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर भी कीजिएगा। सो वीडियो को कम्प्लीट देखते, सबसे पहले मैंने फ्लफी ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से जो है मैंने रॉ नंबर लास्ट रॉ में जो है 4 कलर शेड ब्राउन है जो कि लाइट है थोड़ा, उसे मैंने बेस कलर बनाया है। उसे मैंने अपने आईलेट पर ब्लेंड कर लिया है बहुत स्लो हैंड से, वीडियो को स्पीड अप किया हुआ है जस्ट बिकॉज के व्यूवर्स के लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो। इसे मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी, कोई क्रीज नहीं बननी चाहिए, आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बहुत केयरफुली से ब्लेंड करना है पूरी आईलेट पर, दोनों आइज़ पर मैंने इसे कवर कर लिया है। ना मैं डार्क शेड लगा रही हूँ रॉ नंबर 2 में जो है वो 5th शेड ब्राउन डार्क में है, मॉर्फी 39 ए पैलेट है और उसमें से मैंने ये शेड लिया है जो कि अच्छा पिगमेंटेड शेड है। इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश की तरफ इसका जा रहा है ट्रांजिशन, पिक्स में आप लोगों को क्लियरफाई होगा कि ये कितना खूबसूरत शेड है। अब मैंने क्रीज लाइन से नीचे तक इसे डार्क ब्राउन शेड को ब्लेंड कर लिया है प्रॉपरली, और फिर मैं इसे शिमर दूँगी जो कि मैंने मैक का यूज़ किया है, गोल्ड कॉपर की तरफ जाता है ये शेड। मैंने अपने आईलिड के सेंटर एरिया में इसे कॉर्नर से सेंटर तक जो है वो एक स्मूथ सा जो है सेटल कर लिया है इस ब्रश से, एप्लीकेटर से, इजी रहता है इससे एप्लीकेशन करना, तो इस तरीके से मैंने किया है विदाउट कट क्रीज। और लास्ट से हम इसे ब्लेंड करेंगे वापस उसी ब्रश से ताकि रफ ना लगे। नाउ स्वीट टच की एडहेसिव लैश ग्लू लेकर मैं इस पर वाटर मिलाकर अपने लिड पर लगा रही हूँ, देन ब्रॉन्ज ग्लिटर लगाया है मैंने मैक का उस ग्लू के ऊपर, वो ईजिली इस पर जो है वो सेट हो गया है और लॉन्ग लास्टिंग देगा आपको, झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं और रफ नहीं होगा, और बहुत हसीन लुक देगा ये। यू विल सी एंड यू हैव सीन इन फोटोज़। अब मैं सूफिया अजली की काजल पेंसिल जो है वो अपनी वाटर लाइन में दे रही हूँ, थोड़ा बाहर एरिया में भी दूंगी और इसे ब्लेंड करूँगी प्रॉपरली, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। आप लोग जो है आइज़ में वाटर लाइन पर अच्छे से ब्लैक पेंसिल दिया करें, इससे बहुत प्यारी आँख जो है वो बहुत अच्छी और बहुत बहुत ज़बरदस्त सा लुक आता है। इसे मैंने थोड़ा सा आप देख रहे हैं कॉर्नर पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है,
फिर यहाँ मैं इन्हीं शेड्स को ब्लेंड भी कर रही हूँ। नाउ मैंने बॉब का मस्कारा लिया है, बॉब का मस्कारा वाटरप्रूफ है। तो जी फिर हम लोग इस तरीके की जो है वो मैंने 4D लैशेज़ लगाई हुई हैं। तो इस ये डिफरेंट असल में ब्रांड में होती हैं तो कोई स्पेसिफिक नहीं होता। तो मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए इसका पैकेट आई डोंट नो कहाँ था। वही शिमर मैंने कॉर्नर पर भी दिया है। नाउ मैं रिवाज यूके का फाउंडेशन लगा रही हूँ जो कि एक अच्छा लिक्विड में है और बेज कलर लगाया है। फाउंडेशन शेड में नहीं बताती हूँ, वरना व्यूवर्स वही ले लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों को अपने टोन का लेना होता है तो इसलिए शेड से कुछ नहीं है, अपने क्वालिटी देखें फिर अपने शेड से मार्केट में जाके मैच करके उसे जो है ख़रीदा करें। मैंने अभी से ब्यूटी ब्लेंडर से वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। ऑलरेडी मेरे फेस पर जो है वो एक बेस बनी हुई थी, सिंगल मैं काम कर रही थी सलून पे तो वो बनी हुई थी, तो मैंने उस पर ही जो है वो रिवाज यूके की जो है वो फाउंडेशन लगा ली है। अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ इसे मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, बहुत ही मैट फिनिश लुक जो है वो इसका आ जाएगा। और अब इसके फिर मैं बेकिंग करने लगी हूँ। बेकिंग करूँगी तो मैं क्लिनिक के लूज़ पाउडर से, वो देखिएगा आप। अच्छा मैंने इसी का थोड़ा और क्वांटिटी, थोड़ा और प्रोडक्ट लेकर जो है दोबारा से इसको हल्का सा अपने आइस के नीचे दिया है। ये क्लिनिकल लूज़ पाउडर है, ये भी मैं लाइट शेड में ही यूज़ करती हूँ ताकि जो है वो आपकी बेस जो है वो ब्राइट लगे। तो इसे बेकिंग कर लूँगी लूज़ लूज़ हैंड से, बहुत ज़्यादा नहीं करनी मुझे बेकिंग क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। नाउ क्रिशीन का 01 पैलेट हमने लिया है और उसे मैंने जो है इस तरीके से कट दिया है अपनी फेस शेप के अकॉर्डिंगली। जो है मैं एयर से लेकर जो है अपनी बोन से आगे तक जा रही हूँ और इसी एरिया को फोकस करूँगी। फेस की कट के हिसाब से आप लोगों ने कंट्रोल करना होता है। नोज़ को भी मैं फ्लफी ब्रश से कर रही हूँ, कोई प्रॉपर एक इनलाइन नहीं करूँगी मैं, इसे ब्लेंडेड लुक दूँगी ताकि बहुत नेचुरल सा लगे और एक ब्लेंड लुक हो। नोज़ कंट्रोलिंग बहुत मैटर करती है फेस लुक में, आपके मेकअप में आप किस टाइप का मेकअप कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको कंट्रोलिंग पर फोकस करना होता है। फॉरहेड मेरा बहुत ज़्यादा वाजे हो रहा है क्योंकि ब्राइट बेस बन गई है तो मैंने फोरहेड को भी इसी तरह कंट्रोल करना है। डोडू गर्ल का मैं ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दो शेड में है तो मैं पिंक पार्ट यूज़ कर रही हूँ इसका। हल्का सा पिंक टच किया है, ब्रॉन्ज के साथ मिलने के बाद वो एक डिफरेंट शेड बनता है। ये मैक का लूज़ आई शेडो है जो मैं एज ए हाईलाइटर लगा रही हूँ, बट मैंने जो है दूसरा भी हाईलाइटर यूज़ किया है। मैक का जो शिमर हम फेस पे यूज़ करते हैं शाइनर, उसे भी मैंने लूज़ शाइनर था उसे भी मैंने ब्रश में लेकर जो है इस तरीके से हाईलाइटिंग की है। शेड बहुत शैम्पेन शेड में था तो वो बहुत हसीन लगता है। आप लोग भी जो है वो ट्राई कीजिएगा इस तरीके से हाईलाइटर अप्लाई करना, आपको काफ़ी पसंद आएगा। मुझे काफ़ी पसंद है इस तरीके से अप्लाई करना, पैलेट से ज़्यादा मुझे लूज़ में यूज़ करना जो है वो ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा सा वो नेचुरल लुक देता है। नोज़ की मैं टिप को हाईलाइट कर रही हूँ, फेस के जितने भी हमारे ऐसे एरियाज होते हैं जो इन्हांस होते हैं उसे शिमर देने का जो होता है मज़ीद उसको इन्हांस करना होता है। लिप्स पर ये हाईलाइटर लगाने का फ़ायदा ये है कि आपके लिप की आपको शेप पता चलती है, फिर आप उसे जो है एक बोल्ड लिप की शेप बना सकते हो, आपको एक प्रॉपर बाहर से शेप मिल जाती है एक्स्ट्रा लाइन, उसमें आपको जो है अपने लिप्स को बढ़ाना बोल्ड लिप्स बनाने में आसानी होती है। ज़्यादातर लोगों के अगर लिप पतले शेप में होते हैं तो हमें हाईलाइटर लगा के उससे आसानी होती है, एक लाइन मिल जाती है। फिर इस तरीके से जो है फॉरहेड पे मैंने इसलिए साइड दो साइड पे हाईलाइटर दिया था ताकि वो अच्छा से एक फेस कट बने। सूफिया अजली की मैंने ब्राउन पेंसिल यूज़ की है, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, बहुत इजीली बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है असल में लिप्स पर तो लिपस्टिक लगने में परेशानी होती है। अच्छा ब्रांड यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है और एप्लीकेशन आराम से हो जाती है। शेड बहुत अच्छा है, ये ब्राउन शेड तो खैर मोस्टली मेरा हरी मेकअप में यूज़ हो जाता है क्योंकि इस पर मैं अपना डिज़ायर कलर अप्लाई करती हूँ तो बहुत अच्छे से इसका एक मैच बनता है। KKW के ये मैंने लिप ग्लॉसेस का मेरे पास सेट है, उसमें मोस्टली इसी शेड में न्यूड शेड में ज़्यादातर जो है वो लिप ग्लॉसेस हैं तो मैंने वही शेड अप्लाई किया है उसमें से। बहुत लाइट से डिफरेंस है आपस में इनके शेड्स में, मैंने इसकी एप्लीकेशन कर ली है पर मुझे ये कुछ ज़्यादा लाइट लग रहा था तो फिर मैंने इसे थोड़ा चेंज भी किया था। बहरहाल चेंज करने के बाद मैंने जज किया कि मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खैर डजेंट मैटर, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने ये KKW लगाया हुआ है, अब इस पर मैं हुदा ब्यूटी का जो है वीनस शेड लगा रही हूँ तो और लुक थोड़ी मतलब अकॉर्डिंग टू आय हो गई थी, बट मुझे जो है वो पहले वाला शेड ज़्यादा अच्छा लगा था। खैर मैंने कुछ पिक्स जो है वो मैट फिनिश लुक में भी ली है, ये मैट लुक है ठीक है जी।
अब हम इसको ग्लॉस में चेंज कर लेंगे। मैंने एसेंस का ट्रांसपेरेंट ग्लॉस यूज़ किया था। हाउ इज़ इट राइट नाउ? ओके जी, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत आसान से लुक है, वीडियो थोड़ी ब्लर होगी, डजेंट मैटर, नोट कीजिए, स्टेप सीखिए, मेथड समझिए। और दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ बहुत ही कॉमनली आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे। दिस इज़ नॉट अ बिग डील कि आप लोग समझे और कहाँ हम कॉलर के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मार्केट में अवेलेबल है। और आप छोटे से छोटा ब्रांड, पाकिस्तान लोकली ब्रांड भी आप लोगों को बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना के दे रही है। तो जी वीडियोज़ में भी देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ अपने सलून में मौजूद प्रोडक्ट्स की भी डिटेल देने वाली हूँ। अगली मेरी आने वाली वीडियो में आप लोगों को मेरे पास तमाम रेंज बेसिस की जो है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वो वीडियो में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए और आप भी आसानी से बआसानी अपने घर में सलून रन करें और सीखें और सिखाएँ। और बस यही है, ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।